आज हम मौजूद हैं नैमिष जाने वाले मार्ग पर। नैमिष मार्ग पर अभी हमारे एक भाई से मुलाकात हुई। तो भाई यही वो चक्र है ब्रह्मा जी द्वारा फेंका हुआ, तो उनका शीश है जिसके दोनों ओर दो बड़े बड़े सींग हैं। यहाँ तो बिल्कुल अकेला हूँ, चारों साइड जंगल है, सुनसान एरिया है, बड़ा डर सा लग रहा है यहाँ पे। तो भाई वहाँ तो दर्शन हो चुके हैं, अब चलते हैं श्री खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने के लिए। ये देखिए, जय श्री खाटू श्याम। अभी आ चुके हैं गोमती नदी पे, चलते हैं दर्शन करते हैं श्री गोमती मैया के, आदि गंगा के। वो देखो जो सामने नदी दिख रही है वो है गोमती नदी, चलते हैं दर्शन करते हैं, आचमन करते हैं जल का। देखो भाई नीचे का भी बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, बड़ा साफ पानी है यार। अभी आ चुके हैं त्रिशक्ति धाम, चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं मैया के। तो है भाई मंदिर का मेन गेट, अब यहाँ से अंदर एंटर करना होगा। काफी प्यारा मंदिर है यार, साउथ शैली में ये मंदिर बना हुआ है। यह है भाई बालाजी मंदिर, थोड़ा अंधेरा हो गया है तो आपको क्लियरिटी नहीं आ रही होगी वीडियो में, चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं बालाजी महाराज के। यहाँ तो बिल्कुल अकेला हूँ, चारों साइड जंगल है, सुनसान एरिया है, बड़ा डर सा लग रहा है यहाँ पे अकेले का। और चलते हैं बाबा का नाम लेते हुए। अभी आ चुके हैं देवपुरी मंदिर पे, अंदर चलते हैं दर्शन करते हैं।
भाई रमी सारन तीर्थ के दर्शन तो हो चुके हैं, आपको कैसे लगे दर्शन, कैसे हुए दर्शन कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो ना बढ़िया दर्शन हुए और बड़ी शांति में दर्शन हुए, ऐसा कुछ नहीं था कि जल्दी 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 दर्शन करो निकलो, बड़े शांति से दर्शन हुए, अंधेरा भी हो चुका है। तो चलते हैं अब वापस से अपने ठिकाने पे श्री हरि हरानंद आश्रम में। सुबह ना साइकिल चलाई और इतने टाइम अभी लगभग 9-10 किलोमीटर पैदल चला हूँ, दर्शन किए सभी मंदिरों पे। अब तो भाई बहुत थकावट हो गई है, पैरों में बहुत दर्द होने लगा है, भाई बस भोजन करेंगे उसके बाद करके सो जाएंगे। सुबह लेट उठेंगे आज क्योंकि कल सुबह इतनी जल्दी तो निकलना नहीं है, सीतापुर यहाँ से 30 किलोमीटर है, शाम के टाइम निकलेंगे, कल सुबह नहीं निकलेंगे सीतापुर के लिए। तो सुबह सोते हैं यार और कुछ नहीं, अब खाना खाते हैं उसके बाद फिर सोते हैं। पर के आज तो वीडियो भी एडिट नहीं करूँगा, अब सुबह रुकना है तो सुबह वीडियो एडिट करूँगा।